अभी मुजफ्फरनगर में है, यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है और ये निर्णय लिया जा रहा दो तीन दिन से कि 7 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पे चलेंगे, कल 7 तारीख है और उसमें खाप प्रतिनिधि जाएंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के वे उसमें जाएंगे और वहां पे निर्णय लेंगे और जो भी फैसला होगा हम करीब 3 बजे के आसपास तक, 3-4 बजे तक वो फैसला प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो 7 तारीख में ही सबको बता देंगे, फिर उसी आधार पे आगे काम चले फिर समाज का, क्योंकि खाप के जिम्मेदार लोगों ने इसकी जिम्मेदारी दी है कि जो घटनाक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में जाके जिन लड़कियों ने FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी रिपोर्ट के आधार पे गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये सारे मामले हैं, इसमें बातचीत करेंगे। तो उसमें ये नहीं कि बहुत भीड़ वहां पे पहुंच जाए, जब जब जरूरत होगी आप लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ में सलाह मशवरा नहीं होता। कल सलाह मशवरे के लिए खाप चौधरी वहां पे जाएंगे, उनका प्रतिनिधि जाएंगे और वहां पे पहलवान भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सब आपस में बैठ के सलाह मशवरा करेंगे। दिल्ली पुलिस से भी है कि प्लान ये ना करें कि उनको रोकेंगे बॉर्डर पे, उनको थाने में बैठाएंगे। आप जिसको भी अगर रोकोगे, किसी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की ये प्लान है कि हम खाप चौधरियों को रोकने का काम करेंगे, तो उनको रोकने का काम नहीं करें, जो थाने में लेके जाएंगे फिर भी वापसी नहीं आएंगे, उसी थाने में फिर पंचायतें होंगी। हम अपनी मीटिंग कर गए, उसके बाद में कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हो, उनसे भी हम अपनी मीटिंग करें और इसका एक समाधान की तरफ इसको लेकर चले। पुलिस प्रशासन का क्या रुख इसमें सरकार का है, पहलवानों का क्या है, खाप पंचायतों क्या है, आगे का क्या निर्णय रहेगा, तो हम बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय पहलवान।